ये फाइट फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं जानता हूँ मेरा निशाना सीधा है। हम बीजेपी के नियत और बीजेपी के नीतियों और बीजेपी के विचारधाराओं के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी 100% दे रही है। हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और हम इंडिया जनबंधन को भी मजबूत कर रहे हैं। हमने कई समझौताएं की हैं, क्योंकि गठबंधन जनबंधन जब बनता है, गठबंधन जब बनता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ समझौता करना पड़ता है, सभी लोग खुश नहीं होते। तो काफी हद तक हमने कोशिश की, बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में हम सफल नहीं हो पाए। कुछ कारण, विशेष कारण है, पश्चिम बंगाल में वो नहीं हो पाए। पर कल की रैली, रामलीला मैदान की रैली में तृणमूल कांग्रेस शामिल है, तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया जनबंधन को छोड़कर चली गई। नहीं, सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं हो पाया बस। सर, आपने जब गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो अब तक मेरे ख्याल ऐसा पहला चुनाव होगा 2024 का लोकसभा का जहां आप सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे होंगे कांग्रेस एज एन इंडिविजुअल पार्टी। तो क्या हम माने कि आप लोगों ने जो गठबंधन का जो पकेरा गठबंधन की एबीसीडी है वो सीख ली है, या आप स्ट्राइक रेट सुधारने के लिए या अपने जो सहयोगी दल है उनको अपने साथ रखा? हाँ, बिल्कुल, हमने समझौता किया है। हमने समझौता किया है 2024 की जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने समझौता किया है। हम कभी उत्तर प्रदेश में हम सिर्फ 17 सीट लड़ रहे हैं, तो भारी कटौती है। एक जमाने में हम सब हर सीट लड़ा करते थे, हमने हर सीट भी जीता है, कई ऐसे चुनाव भी हुए हैं, पर ऐसे कई महाराष्ट्र में देखे। तो हाँ, ये बात सही है, पर कुछ समझौता करने पड़ते हैं। तो 2024 की जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, पर मैं एक चीज कहूं, कांग्रेस पार्टी जिंदा है, कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी के बिना हमारा लोकतंत्र अधूरा है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दी है, लोकतंत्र बनाया है, देश को महान बनाया है, और इस योगदान को कोई प्रधानमंत्री, कोई झूठ के जगतगुरु मिटा नहीं सकता। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, वो ये जो कांग्रेस के कुछ सो टाइगर न केवल जिंदा है, टाइगर जीवित है, टाइगर आक्रामक है।